नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हाँ, इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक अखिलेश यादव की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने एक बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने जो बयान दिया है, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आदित्य यादव का ये कहना है कि शिवपाल को अखिलेश के बराबर जगह मिलनी चाहिए, अखिलेश के बगल में जगह मिलनी चाहिए। तो ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो जाहिर तौर पर बता रही है कि कितना बड़ा फर्क इस वक्त पड़ता नजर आ रहा है। तो क्या जो मौजूदा समय के हालात हैं या जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फेरबदल होता नजर आएगा। दरअसल अपने दर्शकों को ये भी हम बता देते हैं कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार खुद को मजबूत कर रही है, मजबूत करती चली जा रही है। उधर दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो BJP अब ये सोच रही है कि आगे का निकाय चुनाव कैसे जीता जाए। लेकिन अगर इस बार दोबारा निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है तो वाकई BJP को टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही। देखिए, मैनपुरी में जो हुआ वो सबने देखा, इसके अलावा हमने देखा खतौली में भी BJP को झटका लगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगले चुनाव की तैयारियों में जिस तरह समाजवादी पार्टी जुड़ी हुई है, तो क्या एक बार फिर स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे शिवपाल यादव? और क्या इस बार अपर्णा को तो नहीं समाजवादी पार्टी UP निकाय चुनाव में खड़ा कर देगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।